एनएवी का रहस्य। एनएवी क्या है? ओ, म्यूचुअल फंड्स के मामले में इस एक टर्म ने लोगों को आज तक सबसे ज्यादा डराया और कंफ्यूज किया है। ये एक वैल्यू है, ये तो जाहिर है, पर किस चीज की वैल्यू, इसमें आता क्या है, ये दर्शाता क्या है, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है। चलिए एक कहानी बनाते हैं। आपका 1,000 स्क्वायर फीट का घर है जिसे आप बेचना चाहते हैं। आप रियल एस्टेट एक्सपर्ट के पास जाते हैं जिसके पास 35 लाख में एक खरीदार तैयार है, पर इस रकम में उस एक्सपर्ट का 50,000 रुपए का कमीशन भी शामिल है। मतलब आपको घर की जो असली पर स्क्वायर फुट कीमत मिलेगी वो होगी 3,450 रुपए। ये कैसे? आपने घर का सेलिंग प्राइस लिया, उसमें से एक्सपेंसेस निकाल दिए और फिर उसे घर के साइज से डिवाइड कर दिया। जो प्राइस आपको मिला वो है घर की असली पर स्क्वायर फुट वैल्यू। इसी तरह म्यूचुअल फंड स्कीम की एनएवी पर यूनिट के लिए पोर्टफोलियो के सभी एसेट्स की मार्केट वैल्यूज को कैश समेत आपस में जोड़कर मिलने वाली रकम से एक्सपेंसेस निकालकर सभी इन्वेस्टर्स द्वारा खरीदी गई कुल यूनिट से डिवाइड कर दें। मान लीजिए एक्सपेंसेस के बाद स्कीम के सभी एसेट की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है और अब तक इन्वेस्टर्स को 5 लाख यूनिट्स इश्यू हो चुके हैं, तो फंड का एनएवी पर यूनिट भाव होगा 20 रुपए। इन एसेट्स की मार्केट वैल्यू हर रोज बदलती रहती है, जो एनएवी पर यूनिट के भाव में फ्लक्चुएशन से जाहिर हो जाती है। इस एनएवी को रेगुलर बेसिस पर डिस्क्लोज करना एसेट मैनेजमेंट कंपनी की जिम्मेदारी होती है। अब ये नंबर इतना खास क्यों है? तो इसकी 3 वजहें हैं। किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करते वक्त इसकी मदद से इन्वेस्टर जान लेता है कि उसे कितनी यूनिट्स मिलेंगी। मतलब अगर स्कीम की एनएवी 25 रुपए है और इन्वेस्टेड अमाउंट 25,000 रुपए है तो इन्वेस्टर को 1,000 यूनिट्स मिलेंगी। और इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम करते वक्त यानी स्कीम से अपनी रकम निकालते वक्त अगर स्कीम की एप्लीकेबल एनएवी पर यूनिट 50 रुपए है तो आपको अपनी 1,000 यूनिट्स के 50,000 रुपए मिलेंगे। एनएवी की इम्पोर्टेंस की तीसरी वजह यह है कि ये स्कीम की परफॉर्मेंस दर्शाती है। स्कीम के एनएवी को 2 अलग-अलग वक्त पर आपस में कंपेयर करके स्कीम का अच्छा या बुरा परफॉर्मेंस जाना जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर स्कीम का आज का एनएवी पर यूनिट भाव 25 रुपए है और 2 साल पहले वो 15 रुपए था, तो जाहिर है कि स्कीम ने 2 साल में 66.67% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है, या 2 साल में हर साल 29.10% का रिटर्न दिया है। कई लोगों को शायद ये लगता होगा कि 10 रुपए के एनएवी वाला फंड 200 रुपए के एनएवी वाले फंड से चीपर है। बिल्कुल नहीं। मान लीजिए 2 स्कीम्स हैं, ए और बी, जिनमें ए का एनएवी 10 रुपए और बी का 200 रुपए है। अगर आप साल की शुरुआत में हर एक स्कीम में 10,000 रुपए लगाते हैं तो स्कीम ए में आपको मिलेंगी 1,000 यूनिट्स और स्कीम बी में 50 यूनिट्स। साल भर दोनों स्कीम्स इतना अच्छा परफॉर्म करती है कि उनकी पोर्टफोलियो वैल्यू 20% बढ़ जाती है। तो अब स्कीम ए में आपकी 1,000 यूनिट्स की कुल वैल्यू होगी 12,000 रुपए और स्कीम बी में 50 यूनिट्स की वैल्यू भी होगी 12,000 रुपए। तो देखा आपने, हालांकि स्कीम ए का एनएवी स्कीम बी के एनएवी से काफी बड़े पैमाने पर नीचे था, पर इन्वेस्टमेंट का फायदा दोनों में बराबर का ही हुआ। मतलब ये कि स्कीम के एनएवी का हाई या लो होना जरूरी नहीं, बल्कि स्कीम में इन्वेस्टमेंट के बाद उसकी एनएवी ग्रोथ क्या है, ये जरूरी है। रिटर्न्स उसके हायर होंगे जिसका पोर्टफोलियो बाकियों के मुकाबले बेहतर परफॉर्म करे, सीधी बात है। तो अब तो सब साफ है ना? एनएवी पर यूनिट वो प्राइस है जो म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आप पे करते हैं, ठीक उसी पर स्क्वायर फीट रेट की तरह जो घर बेचने पर आपको मिला। तो अब घबराने या कंफ्यूजन की नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए और हम इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आप चाहे तो अपनी प्रतिक्रिया हमें editor@templeton.com पर भेज सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक पढ़ें।